नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का ट्रिगर न्यूज में स्वागत है। नेहरू का कथन पकड़कर मोदी ने राहुल से पूछा, आखिर पंडित जी ने किसे राष्ट्र कहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के एक बयान के जवाब में कहा कि कांग्रेस आज टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर हो गई है। उन्होंने भारत राष्ट्र नहीं है वाले बयान पर राहुल गांधी को उन्हीं के पड़नाना और देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कथन से जवाब दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी विभाजनकारी राजनीति पर आगे बढ़ रही है। मोदी ने कहा कि कांग्रेस को अब लग गया है कि उसे सत्ता मिलनी नहीं है, इसीलिए वह अब जितना संभव हो बिगाड़ने में जुट गई है। मोदी ने राहुल का नाम लिए बिना कहा कि सदन में तमिल भावनाओं को भड़काने की कोशिश की गई है। मोदी ने चेतावनी दी कि इतिहास में जिसने भी भारत को नुकसान पहुंचाना चाहा, उसने कुछ न कुछ जरूर खोया है, जबकि भारत अजर अमर है और आगे भी रहेगा। आइए इस मुद्दे पर पीएम का पूरा बयान जानते हैं। यहाँ कुछ तात्विक मुद्दों को उठाने की कोशिश की, मैंने तो समझाने की बहुत कोशिश की, शायद कोई समझ पाया हो। मुझे अभी कोई मिला तो नहीं है, लेकिन जो भी समझ पाया होगा मैं उससे समझाने के लिए तैयार हूँ। सदन के राष्ट्र को लेकर बातें हुई, ये बातें हैरान करने वाली हैं। मैं अपनी बात रखने से पहले एक बात दोहराना चाहता हूँ और मैं नोट कर रहा हूँ, यह जानकारी बेहद हैरत में डालने वाली है कि बंगाली, मराठे, गुजराती, तमिल, आंध्र, उड़िया, असमी, कन्नड़, मलयाली, सिंधी, पंजाबी, पठान, कश्मीरी, राजपूत, हिंदुस्तानी भाषा भाषी जनता से बसा हुआ है। विशाल मध्य भाग कैसे सैकड़ों वर्ष से अपनी अलग पहचान बनाए हैं, इसके बावजूद इन सबके गुण दोष कमबेश एक से हैं। इसकी जानकारी पुरानी परंपरा और अभिलेखकों से मिलती है। साथ ही इस पूरे दौरान वे स्पष्ट रूप से ऐसे भारतीय बने रहे जिनकी राष्ट्रीय विरासत एक ही थी और उनकी नैतिक और मानसिक विशेषताएं भी समान थी। पीएम ने कहा, हम भारतीय की विशेषताएं बताते हुए इस कोटेशन में दो शब्द गौर करने वाले हैं, राष्ट्रीय विरासत। यह कोट पंडित नेहरू जी की है। यह बात कही थी नेहरू जी ने और उनकी किताब भारत की खोज में है। हमारी राष्ट्रीय विरासत एक है, हमारे नैतिक और मानसिक विशेषताएं एक है। क्या बिना राष्ट्र के एक संभव है? इस सदन का यह कहकर भी अपमान किया गया कि हमारे संविधान में राष्ट्र शब्द नहीं आता। इस दौरान सत्ता पक्ष से सेम सेम के नारे लगने लगे। इस बीच पीएम ने अपनी बात जारी रखी। मोदी ने कहा कि संविधान की प्रस्तावना में लिखा राष्ट्र पढ़ने में ना आए तो हो ही नहीं सकता। कांग्रेस ये अपमान क्यों कर रही है, मैं इस पर विस्तार से अपनी बात रखूंगा। मोदी ने कहा, राष्ट्र कोई सत्ता या सरकार की व्यवस्था नहीं है। हमारे लिए राष्ट्र एक जीवित आत्मा है। हजारों साल से देशवासियों इस राष्ट्र से जुड़े हुए हैं और जूझते रहे हैं। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, राजनीति के लिए कांग्रेस की जो परंपरा अंग्रेजों से विरासत में आई है, तोड़ो और राज करो, बांटो और राज करो। मैं आज तमिल भाषा के महाकवि और स्वतंत्रता सेनानी आदरणीय सुब्रमण्यन भारती ने जो कहा था उसे दोहरा रहा हूँ। पीएम ने तमिल में सुब्रमण्यम भारती के कथन का जिक्र किया और फिर का हिंदी अर्थ बताया। पीएम ने इसका भव्यार्थ बताते हुए कहा, सम्मानित जो सकल विश्व में महिमा जिनकी बहुत रही, अमर ग्रंथ वे सभी हमारे, उपनिषदों का देश यही है, गाएंगे यश हम सब इसका, यह है स्वर्णिम देश हमारा, आगे कौन जगता है हमसे, यह है भारत देश हमारा। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसके बाद बोला, कांग्रेस को हमेशा से इन बातों से नफरत रही है, विभाजनकारी मानसिकता इनके डीएनए में घुस गई है। अंग्रेज चले गए लेकिन बांटो और राज करो की नीति को कांग्रेस ने अपना चरित्र बना लिया है, इसीलिए ही आज कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर बन गई है। पीएम के इतना कहते ही लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी खड़े हो गए और टोकोटाकी करने लगे। इस पर पीएम ने कहा, जो लोकतंत्र की प्रिया से हमें रोक नहीं पा रहे हैं वो यहाँ अनुशासनहीनता करके हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी विफलता मिलेगी। मोदी की इन टिप्पणियों पर आप सभी का क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सभी जानते भी हैं कि राहुल गांधी की इस तरीके के बयान कभी ना कभी आपको सुनने को मिल ही जाते हैं और पीएम मोदी का उन पर वार आपको ये हमेशा सुनने को मिलता रहेगा। सो इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।